चलिए अब कुछ पांच मैं आपको स्पेशल पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ जो जब आप कंप्लीट न्यूमेरिकल करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने देखा अभी तक जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होता है तो हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ना लेके इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट के केस में। लेकिन अगर बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हैं और वो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं तो कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंडेक्स बेनिफिट इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। समझ में आई बात? बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स अगर लॉन्ग टर्म नेचर के हैं, असेसी उन्हें ट्रांसफर कर भी रहा है तो उसे इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। उस केस में वो सिर्फ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और नॉर्मल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ही माइनस कर पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार वो इस तरीके का क्वेश्चन फंसा देता है। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब कि अगर ये वाले बॉन्ड्स हैं तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाएगा। कौन से बॉन्ड्स? कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स और सवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई। ठीक है, अगर ये वाले बॉन्ड्स हैं तो लॉन्ग टर्म नेचर के हैं तो ही इंडेक्सेशन हो पाएगा। इसके अलावा किसी कंपनी के बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हैं तो लॉन्ग टर्म नेचर के होने के बावजूद भी इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, बड़े ध्यान से देखिएगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सपोज हमने 1000 शेयर्स परचेज किए और हमने जो परचेज किए उसका कॉस्ट प्राइस हमने पे किया सपोज 1,00,000 रुपए और उस पे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो कि जब आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं तब लगता है, सपोज आपने 500 रुपए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन दिया, टोटल दिया 1,05,000 रुपए। तो फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन्स, देखिए नॉर्मल अकाउंटिंग में आप ये पढ़ते हैं कि इसकी कॉस्ट 1,05,000 मानी जाएगी, लेकिन अगर आपने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज तो फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड नहीं किया जाएगा। एज पर नॉर्मल अकाउंटिंग आपकी कॉस्ट ये होती है 1,05,000, लेकिन बड़े ध्यान से देखिए, ऐसी मैंने इनको स्पेशल पॉइंट्स नहीं बोला, ये वो पॉइंट्स हैं जहां फंसते हैं। फॉर आईटी पर्पस, जो इनकम टैक्स पर्पस आपकी कॉस्ट है वो 1,00,000 ही मानी जाएगी, तो अकाउंटिंग में से 1,05,000 माना जाता है। समझ में आई? देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, इसीलिए मैंने यहां लिखा है ना सुनो दिल की ये बात है टैक्स की। समझ गए जनाब? चलिए, सेम वे पेड ऑन सेल्स। होता क्या है, सपोज आपने 1,000 शेयर्स सेल करे और आपको जो सेल्स वैल्यू मिली सपोज 1,00,000 रुपए मिली, उस पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया 500 रुपए, तो हम लेते हैं सेल्स वैल्यू 99,500 अकाउंट्स के अंदर, लेकिन टैक्स पे सेल्स वैल्यू पूरी 1,00,000 रुपए मानी जाएगी। कोई अगर आपने एसटीटी सेल्स पे किया है तो उसे ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं माना जाता। याद है जब आप चार्ट बना रहे थे मेरे साथ, ये वाला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन ऑफ ट्रांसफर, जिसमें ब्रोकरेज पेपर वर्क तो लेंगे लेकिन लिख दीजिएगा यहाँ पर नॉट एसटीटी, एसटीटी जो है वो ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं माना जाता। ये सर्टेन एक्सेप्शंस हैं, ये आपको ध्यान रखनी है जो क्वेश्चन करते हुए फुल फ्लैश आपको फंसाएंगी। समझ में आई बात? तो एसटीटी एट द टाइम ऑफ परचेज ऐड भी नहीं करना और एट द टाइम ऑफ सेल उसे आप माइनस भी नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए स्पेशल पॉइंट्स करके आपको बता रहा हूँ, हो सके तो डिफरेंट पेन से नोट डाउन करिए। ये 5 पॉइंट टोटल हैं जो अब आपके साथ मैं लाइन से डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें से 2 पॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। फटाफट इन दोनों पॉइंट्स को आप पहले नोट डाउन करिए, फिर 3rd, 4th, 5th हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।